हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। ऑनलाइन गेम की लत बच्चों में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते वो ऑनलाइन गेम की लत बच्चों में अपराध भी बढ़ा रही है। ऐसा एक मामला राजस्थान के नागौर जिले से सामने आया है। यहां 16 वर्षीय लड़के ने पबजी और फ्री फायर के चक्कर में अपने 12 साल के चचेरे भाई की गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को जमीन में गाड़ दिया। वहीं असम में बैठे चचेरे भाई के अंकल को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगता रहा। सोमवार को पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद गांव के तालाब के किनारे जमीन में गड़ी लाश को बरामद कर लिया है। दरअसल मामला 8 दिसंबर का है। यहां धुड़ीला गांव का प्रवीण शर्मा मां का मोबाइल लेकर अचानक घर से गायब हो गया। प्रवीण के चाचा ने अगले दिन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि प्रवीण को पबजी और फ्री फायर गेम खेलने की आदत थी। इस पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से प्रवीण की तलाश शुरू कर दी। वहीं इस बीच असम में रहने वाले प्रवीण के अंकल को एक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आया कि प्रवीण उसके पास दिल्ली में है, अगर उसे जिंदा चाहते हो तो 5 लाख का बंदोबस्त कर दो। पुलिस ने बताया कि जिस इंस्टाग्राम आईडी से पैसे मांगे जा रहे थे उसका आईपी एड्रेस प्रवीण के साथ गायब हुए मोबाइल का था। लोकेशन भी उसके गाँव की थी। इस मोबाइल में इंटरनेट हॉटस्पॉट से चलाया जा रहा था। इस बीच नाबालिग चचेरे भाई को पुलिस पर शक हुआ। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने पूरा सच बता दिया। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पबजी और फ्री फायर और 3 पत्ती खेलता है। इसमें लगातार हारने के कारण कर्ज बढ़ गया था, इसके लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने गांव के तालाब किनारे प्रवीण की हत्या कर दी। उसने उस लाश को नाले में गिर कर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इसके बाद मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिया, फिर फेक आईडी बनाकर फिरौती मांगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें हिंद भारत न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।